प्यारी सी दोस्त, मेरी बहुत प्यारी सी सहेली किंजा हाशमी आज हमारे सेट पे है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, मगर ये कि सबसे छोटी एक्ट्रेस है इस मीडिया की, मुझे लगता है तुमसे छोटा कोई नहीं है। नहीं, काफ़ी लोग हैं, अब तो काफ़ी नए लोग भी आ रहे हैं, मुझसे छोटे भी आ रहे हैं। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो। अब मैं बड़ी हो गई, इसलिए अब तुम्हें वो छोटे लगते हैं। अब मुझे वो छोटे मेरे दूसरे मेहमान एक न्यूज़ कास्टर है, मगर उनकी शख्सियत किसी सुपर मॉडल से कम नहीं। तशरीफ लाते हैं सैयद मजम्मिल। हमेशा आप ना मेकअप रूम में पूछा करते थे, मुझे कोई क्यों नहीं बुलाता, मुझे कोई क्यों नहीं बुलाता। मैंने कहा एक मशहूर था, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और ये मशहूर कर बैठे थे, मुझे क्यों नहीं बुलाते, मुझे क्यों नहीं बुलाते। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि पहली मर्तबा अपने लेवल के एंकर के साथ खड़ा हूं। पता है क्यों? इन टर्म्स ऑफ हाइट। पता है क्यों? नीचे देखें, चप्पलें पहन कर आई हूं आपकी वजह से, ताकि आप टॉल लगे। बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, ये टाई लाई है या कड़ी खांदे होते रोड बैठे कमीनी जो गति करेगा जो बैठेंगे तो शीट रखेंगे। बहुत सारी तालियां। मेरी अगली मेहमान एक ऐसी सियासतदान है जो तब्दीली सरकार की दबंग एमपीए हैं। तशरीफ लाती हैं मुस्तफा जमशेद चीमा साहिबा। आपकी भी जरा हाजिरी, ये तो हमने ऐसा बना लिया जैसे कोई अदालत है, कटहरा लगता है यहाँ पे, सबसे पहले हम खड़ा करते हैं। मुस्तफा साहिबा आज हम आपको ना तंग करेंगे थोड़ा। मैं तंग करके वेख लो सीधा परचा जे पी आई ए, एक अद्धा बंदा नहीं फड़ दे, पूरा खानदान ही अंदर जाता है। जितने कोट लखपाल जाके वेख लो, मियाँ साहब ने, साहबजादी साहबा ने, हमजा साहब ने, अगों सारे ही साहब साहब। उन्होंने आवाम का पैसा, आपके टैक्स का पैसा चोरी किया था, हमें उनसे कोई इशू नहीं है। सानू भी कोई इशू नहीं, छोड़ दो। नहीं, हमें इशू है क्योंकि आप हमसे महंगाई, पेट्रोल की कीमत, ये दालें महंगी, सब्जी महंगी, तो हम आपको जवाब दें, इसलिए हमने पैसा फिर भी उनसे लेना, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी। पीटीआई देखा कैसा यू टर्न लेता। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपके लिए है, असी जदों क्या छोड़ दो तो कहते नहीं असी छड़ना ही नहीं। चलिए जी, तशरीफ रखेंगे, आज बहुत सारी बातें पूछेंगे। से पहले तो किंजा आपने टाइम निकाला यहाँ पर, आप आई कराची से हमारे लिए, थी तो लाहौर की मगर कराची में जाके बस गई हैं क्योंकि काम वहाँ पे हो रहा है फिजा, तो जाना ज़रूरी था और जहाँ पे काम है वहाँ पे जाना पड़ता है एक्टर को। तो आप तो बहुत छोटी सी हैं, तो घर वालों को मिस नहीं करती थी, घबराती नहीं थी? अब आपने जब काम शुरू किया तो और छोटी थी, तो फील नहीं करती थी कि नहीं यार सारी फैमिली इधर, पूरा ख़ानदान इधर? शुरू के दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल थे क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं यहाँ पे क्योंकि मम्मा के साथ थी तो उनके साथ ही मैं रूम शेयर करती थी, तो मुझे वहाँ जाके सबसे पहले मसले जो हुए थे वो अकेले रहने में, नींद नहीं आती थी मुझे। तो नींद क्यों नहीं आती थी? इतने किसी का उधार देना या नींद की दवाई तो लाहौर रह गई थी। जी बिल्कुल, नींद की दवाई जो थी वो घर लाहौर रह गई थी क्योंकि घर यहाँ पे था, माँ यहाँ पे थी, तो इसलिए नींद नहीं आती थी वहाँ पे। देखो ना कैसी खूबसूरत गल है कि माँ बाप तो बगैर नींद नहीं आती है। चाचा वेख लो, बुढ़े माँ बाप नू घरों कढ़े है, वो बेचारे ओल्ड होम चले गए ने, हुण दुपहर की रोटी उन्होंने को जाके खाता फकीर बन के जाता। इहदी उम्र वेख लो तो यह अंदाजा लाओ कि वह जिहड़े माँ बाप ने वह किड्डे कि ज़ईफ होण। जो कहते ना मेरा बच्चा आने वाला, तो सारे ओल्ड होम वाले वेखते हैं कि उहदा बच्चा किहड़ा है, जदों इह जांदे ते पिछे वेख रहे हुंदे ने कि उन्होंने बच्चा नहीं लगता। कई बार तो चौकीदार ने मेरे माँ प्यो नू कहा कि तुहाडे अब्बू आए आ मिलण। तो मुजम्मिल साहब आप बताइए कि किस किस्म की खबरें पढ़कर आपको मजा आता है, एंटरटेनमेंट की या पॉलिटिक्स की? मैं तो जरा ड्राई इंसान हूँ, तो मैं एंटरटेनमेंट को इतना एंजॉय करता हूँ जरूर, लेकिन खबरों में मैं सीरियसनेस ज्यादा सीख करता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा पॉलिटिकल इश्यूज और रॉ पॉलिटिकल इश्यूज मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, बंदे ना अच्छा लतीफा भी सुनाओ तो सिर्फ मुजम्मिल भाई वर्गे बंदे एडे सीरियस होंगे ने, एक दुंबा कड़ाई खा के भी फेस से एक्सप्रेशन इंज ही है जिवें भुजे चने खाधे। कैसी सर पूछे ना कैसी दी कड़ाई, नाइस। हाँ जी, ये तो ब्याह शादी से जाके ना तो मुबारक भी इंज ही देंगे। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ आपका, मुबारक। नहीं जान लगे भी कहने दूल्हा पेशेंट लग रहा है। ऐसे न्यूज कास्टर होते हैं ना, अगर रात को अचानक आंख खुल जाए
तो डर के वहीं खबरें पढ़ना शुरू कर देते अच्छा सारी रात तुसी गेट टुगेदर की तो ना एंजॉय कर रहे होते, ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं हंस रहा होता, चुप बैठा होता, अगले दिन कह रहे होता यार रात को बहुत मजा आया। अच्छा न्यूज़कास्टर होना फिर साथ में गुड लुकिंग होना कोई मुश्किल पेश आती है? मुश्किल बहुत ज़्यादा आती है और वो सोशल मीडिया की हद तक आती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग जो है आपको बार बार अप्रोच करते हैं या फिर यू नो दे ट्राई टू रीच यू। सोशल मीडिया आपको क्या अप्रोच करता है ज़रा वो हमें भी बताएं, जिस तरह आप खबरें पढ़ते हैं तो दो चार मैसेज भी पढ़ते हैं अपने मोबाइल के खबरों की तरह। एक आध मैसेज याद है, एक मैसेज तो ये था कि मैं आपके दफ्तर के बाहर जो है वो एक गिफ्ट पकड़ा कर गई हूँ, प्लीज़ ले लीजिएगा। गई हूँ हाँ, खबरों के अंदाज में सुनाइए ताकि हमें भी। नाज़रीन यहाँ आपको बताएं कि दफ्तर के बाहर कोई मेरे लिए गिफ्ट छोड़कर चला गया और मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि ये कहाँ से आया और मैं कश्मकश का शिकार हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? अच्छा फिर वो गिफ्ट आपने खोला, निकला क्या? उसमें से एक कार्ड निकला और कुछ चॉकलेट्स निकली जो कि मैं खाता नहीं। खोदिया प्रेजेंट निकली चॉकलेट। मुसलमान भाई शादी हो गई? नहीं अभी, अभी नहीं हुई जी। शादी पे मजा आएगा जब घूंघट उठा के कहेंगे मैं हूं सैयद मुसलमान, आप देख रही हैं ब्रेकिंग न्यूज, आपके साथ शादी हुई उसी सिलसिले में हाजिर हुआ, अगले 30-40 साल हमारे साथ। दफा कराओ कोई मरे बंदे दे कपड़े दे दियो मैनू। मरे बंदे ने कोई जेल वाले ते नहीं दे देगी? जी आपको इतने सारे मैसेजेस आते हैं आप कह रहे हैं, मगर याद आपको सिर्फ एक ही मैसेज है और आपने न्यूज़ भी इस स्टाइल में पढ़ी कि आप जानना चाहते हैं वो थी कौन जो आपको डब्बा देके गई है। ये तो है, क्यूरियोसिटी तो होती है, लेकिन जिनका मालूम होता है कि वो मैसेज कर रहे हैं तो फिर उनको मैं अवॉइड भी कर देता हूँ, लेकिन ये कि मुझे खुशी होती है कि लोग देखते हैं और एडवर्टाइज करते हैं। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखला की चेयरपर्सन हैं आप, तो घर में भी आपकी चलती है या आपके शौहर की? घर में थोड़ा सा हर औरत का चलता है, सो है ना। हाँ मेरे मियाँ घर के मामलात में चूँकि इतना ज़्यादा वो इंटरफेयर भी नहीं करते तो इसलिए मेरा ही चलता है। अच्छा घर पर टाइम देते हैं वैसे? टाइम हम दोनों ही काम देते हैं बिकॉज दोनों पॉलिटिक्स में है, तो उस वजह से थोड़ा सेक्रीफाइस करता है घर और बच्चे। तो आप लोग जब बैठ के बात कर रहे होते हैं या साथ नाश्ता कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या टेबल पे बात हो रही होती है, पॉलिटिक्स की या फिर घरेलू कोई मामला डिस्कस कर रहे होते हैं? बेसिकली ज़्यादा डिस्कशन हमारी पॉलिटिकल होती है। अच्छा सी, आगे क्या सिचुएशन चल रही है, क्या होने वाला है, ये वो इस तरह से। बट आपके प्रोग्राम पे मैं एक बात ज़रूर बता दूं कि इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम पिछले टाइम से ग्रेजुअली बेहतर होगा, इंप्रूव करेगा। मतलब ये महंगाई खत्म होगी या हमें आदत पड़ जाएगी? नहीं ऐसा नहीं होगा। बेसिकली होता ये है कि चीज़ों में बैलेंस आएगा। सी जिस लेवल पे जो एक चीज ये पानी की बॉटल चली गई है इसने पीछे नहीं जाना, आपका इनकम लेवल बढ़ना है। साडा ते कख नहीं बढ़िया ही, जो साडे को सी ओ भी कट के ले गए, सिर्फ इको चीज बदलन रही है या चीनी या तरीन के बागों के आम। ओदे नाल साडी शुगर वधी, साडा कोलेस्ट्रोल वधिया, साडा ब्लड प्रेशर वधिया, साडियां बीमारियां वधी। ओ नरवा यार मरण नु दिल करदा चाचा। होल्ड बस चाचा, अटसाया होल्ड सुने चाचा, पूरे 70 साल आपने सत्तू पी के सोए हुए थे। ते मेनू ए दसो आ 200% सरकारी अस्पतालां दियां फीसां वधियां, आ दवाई वधी, टमाटर वधे, ए आलू वधे। हम टारगेट कर रहे हैं हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस, हम क्रॉस द बोर्ड जो अंडर पॉवर्टी लाइन है या एक सर्टन तबका जिनको उसकी जरूरत है, हम पहले वाला भी डाटा हमारे पास है और हम तेजी से काम कर रहे हैं। फिर चाचा एक ऐसा सारे काम तो ही करन दे, गरीब रोन तो क्यों नहीं मोड़न दे? चाचा रोना बंद करे तो आपको समझ आए ना। तुसी ते साल च साडियां चीका कटा दित्तियां, आ जिहड़ी गड्डी 16 लाख दी सी ओ 23 लाख दी हो गई। चाचा अभी आप कह रहे हैं मेरे पास खाने के पैसे नहीं, अभी आप 16 लाख और ये आपकी भी मनी ट्रेल हमें पता करना पड़ेगा। ये रोटी के पैसे नहीं और गाड़ियां खरीदने के पैसे, जेड़ा इन्ना के बोले ना ओदी मनी ट्रेल काढ़ लंदे। अच्छा बाजी उन्होंने तो कर्जा लिया मुल्क दे उते चढ़ाया ते साल दे विच जेड़ा रिकॉर्ड कर्जा ले लेता गया, कर्जों की किस्तें वापस कर रहे हैं। और अगली बात जो इंपॉर्टेंट चीज है,
वो ये है कि ये जो चाचा सबर कर सबर कर तुम बच्चा तुम गल करो असि वाह साडा रोना निकलेगा आप बोले बोले आपको पता चला है कि अब वो कीमे वाला नान खा के बिरयानी खा के कहना शुरू कर देते गो नवाज गो।